देश में लागू लॉकडाउन के बीच अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा ले जाने वाली ज्योति कुमारी इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है। बिहार की इस लड़की की चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी होने लगी है। 15 साल की ज्योति लॉकडाउन में अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बैठाकर 1200 किलोमीटर की दूरी 7 दिनों में तय करके गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा पहुंच गई थी। ज्योति ने रोजाना 100 से 150 किलोमीटर साइकिल चलाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी ज्योति कुमारी को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर पर ज्योति कुमारी की खबर को शेयर किया है और भारतीयों की सहनशीलता को सराहा। उन्होंने ट्वीट किया कि 15 साल की ज्योति कुमारी अपने जख्मी पिता को साइकिल से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर दूरी तय करके अपने गाँव ले आई। इवांका ने आगे लिखा कि सहनशक्ति और प्यार की इस वीर गाथा ने भारतीय लोगों और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आपको बता दें कि ज्योति के पिता गुरुग्राम में रिक्शा चलाते हैं और उनके दुर्घटना का शिकार होने के बाद वो अपनी माँ और जीजा के साथ गुरुग्राम आई थी और फिर पिता की देखभाल के लिए वहीं पर रुक गई। इस बीच कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की घोषणा हो गई और ज्योति के पिता का काम ठप पड़ गया। ऐसे में ज्योति ने पिता के साथ साइकिल पर वापस गांव का सफर तय करने का फैसला किया। ज्योति की इस बहादुरी और जज्बे को देखते हुए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रायल का मौका देगा। CFI फेडरेशन 15 साल की ज्योति को अगले महीने ट्रायल के लिए बुलाएगा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन ओंकार सिंह ने बताया कि अगर ज्योति ट्रायल पास करती है तो उसे दिल्ली स्थित IGI स्टेडियम परिसर में अत्याधुनिक नेशनल साइकिलिंग अकादमी में ट्रेनी के रूप में चुना जाएगा। श्वेता चौहान के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, PunjabKesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।